जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है मेरा स्पेशली SSGD गुड न्यूज़ पर, तो गुड न्यूज़ दो है दोस्तों, दो मतलब दो रूप में है, क्योंकि एक तो ये कई लोग ये मान लेंगे कि SSGD गुड न्यूज़ मतलब दो दो 2018 वाले जो बेसमेंट है वो सभी ये सोच रहे हैं कि गुड न्यूज़ अगर कोई आएगी SSC की तरफ से तो वो हमारे लिए ही होगी, जबकि उनको SSGD अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं दे रही है। हाँ, जल्दी दे देगी, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत जल्दी आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये गुड न्यूज़ आपके छोटे भाइयों के लिए दोस्तों, तो अगर आपके छोटे भाई या जो भी इस भर्ती में जिनके नंबर कम है उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे थे और इधर भी देख रहे हो, तो दोस्तों बता दूं जो SSGD की जो नई वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन आ रखी है कई दिनों से, फिर भी लोग मेरे को बार बार कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर SSGD की नई वैकेंसी कब आएगी। तो वैसे तो मैं इस पर एक वीडियो पहले भी बना रखा हूँ, लेकिन फिर भी वापस दोबारा बना रहा हूँ कि दोस्तों की SSGD की नई वैकेंसी के फॉर्म 25 मार्च से 10 मई के बीच में भरे जाएंगे। और जो अभी ये पक्का कमेंट करेंगे सर पहले हमारी ज्वाइनिंग तो करा दो फिर फॉर्म भर लेना नए वाले, तो ये दोनों काम हो जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आपकी मेरिट भी आ जाएगी तब तक, और इनके आपके छोटे भाइयों के लिए नई वैकेंसी भी आ जाएगी। तो जो भी लोग होंगे जिनके नंबर कम है तो इसकी तैयारी करना शुरू कर दे। इसका एग्ज़ाम अगस्त महीने में होगी, 2 अगस्त के बाद से, इसमें जैसे डेट लगा रखी है 2 अगस्त के बाद से, लेकिन हाँ अगस्त महीने में आपका एग्ज़ाम हो। अभी कितनी बड़ी वैकेंसी होगी इसके बारे में कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। एलिजिबल वही है, आपको पता ही है, 18 से 23 साल और अलग अलग जी कैटेगरी वाइज जिनको एज में जो छूट मिलती है वही। अब इसमें एज का ज़रूर पूछेंगे क्वेश्चन की सर एज क्या रहेगी, तो जैसे कि 2018 ये जो 17 की वैकेंसी है, जो 18 वाला बेसमेंट जो चल रहा है अभी, इनमें जो एज का या इससे पहले जो 15 की वैकेंसी में जिसमें हम ज्वाइन किए थे उसमें, इससे पहले भी, तो SSGD का जिस महीने जिसमें नोटिफिकेशन आती है उसे 1 या 1.5 महीने आगे की एज काउंट करते हैं, 1 या 1.5 महीने आगे से, तो वही एज रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इस बार ये हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आए उसे थोड़ा सा लंबा कर सकता है, जैसे 1-2 महीने या 3 महीने, तो उतनी एज एलिजिबल रहेंगी जो 18 से 23 है दोस्तों। इसके बाद में एजुकेशन का आपको पता ही है, 10th क्लास पास एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन हाँ इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों कंप्यूटर जरूर साथ में तैयारी करना, क्योंकि सिलेबस में इस बार कंप्यूटर पक्का 101% है कि आपके सिलेबस में कंप्यूटर जरूर अच्छे से ऐड हो जाएगा। अच्छे से का मतलब काफ़ी क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आ सकते हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर की भी साथ में तैयारी करना दोस्तों। मैथ, हिंदी और GK रीजनिंग ये सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन हाँ GK में एक पार्ट ये ऐड हो सकता है कंप्यूटर, इसके क्वेश्चन कम आते थे लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले हाथ से काम होता था राइटरों का, अब सभी ऑफिसों में कंप्यूटर हो गए हैं, तो कंप्यूटर ज्ञान बेसिक ज्ञान अनिवार्य कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा नहीं मांगेंगे लेकिन हाँ कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसकी भी तैयारी दोस्तों करते रहना। तो ये एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, 10th पास है, सिलेबस आपको पता ही है, वैकेंसी आ गई है, चाहिए क्या और इससे बड़ी गुड न्यूज़। लगा दीजिए पेन कॉपी को और अच्छे से तैयारी कर लो जीत की, जिनके नंबर कम है उनको भी निराश नहीं होना, अगर एलिजिबल है तो इस बार ज़रूर अच्छे नंबर लाना है, अच्छे तैयारी करना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी गाइड करना है इसके लिए कि वो तैयारी करें अच्छे से। और हाँ दोस्तों याद रखना, एक दिन की तैयारी से जीत नहीं मिलती है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तो अगर आप तैयारी करना अभी से ही शुरू कर दो। साथ में एक बात और बता दूँ, नहीं बताऊँगा, तो जय हिंद दोस्तों।